तो दोस्तों अभी आप लोग जो ये वीडियो देख पा रहे हैं सिक्योरिटी कैमरा का डे मोड पे। हाँ जी दोस्तों, तो ये है टीपी लिंक कंपनी की तरफ से आने वाला टीपी लिंक का टापो C100 होम सिक्योरिटी कैमरा। एंड ये जो सिक्योरिटी कैमरा है इसके अंदर आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि इस सिक्योरिटी कैमरा के अंदर आप लोगों को मोशन डिटेक्शन का फीचर देखने के लिए मिल जाता है, नाइट विजन का फीचर देखने के लिए मिल जाता है। फुल HD में यहाँ पर आप लोग ये लाइव व्यू इसके अंदर जो है देख सकते हैं। उसके साथ साथ 128 GB का मेमोरी कार्ड ये जो सिक्योरिटी कैमरा है जो सपोर्ट करता है, और भी काफी सारे फीचर एंड फंक्शन आप लोगों को इस सिक्योरिटी कैमरा के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। फटाफट से हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, बताऊंगा आप लोग क्या क्या फीचर्स आप लोगों को इस सिक्योरिटी कैमरा के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोग को टापो की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है, एंड नीचे यहाँ पर आप लोग को टापो C100 की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। सामने की साइड में यहाँ पर कुछ उसके की फीचर वगैरह मेंशन है जो कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। पीछे साइड की बात करो तो पीछे भी यहाँ पर कुछ उसके फीचर वगैरह दिए हुए हैं जो कि आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। फटाफट से हम लोग जो डब्बे को खोल लेते हैं। डब्बे को खोलते ही यहाँ पर आप लोगों के सामने जो ट्रे निकल के आ जाएगी, एंड सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को टीपी लिंक कंपनी की तरफ से ये जो माउंटिंग का दोस्तों जो एक्सेसरी होती है इसके अंदर उसका दोस्तों गाइड दी हुई कि आप लोगों को यहाँ पर में किस टाइप से जो स्क्रू वगैरह करना है अपने कैमरे को वो दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को एक यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है, और आप लोगों को यहाँ पर में कुछ पेपर वर्क देखने के लिए मिलता है टीपी लिंक की तरफ से। और ये रहा हमारा मेन सिक्योरिटी कैमरा, ये आप लोग देख सकते हैं। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम बिल्ड आप लोगों को इस सिक्योरिटी कैमरा की देखने के लिए मिलेगी। ये दोस्तों लगभग जो 1300 से 1400 रुपए के अप्रोक्स आता है, लेकिन यहाँ पर में इसकी बिल्ड क्वालिटी आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल रही है। आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप लोगों ने कोई जो है बजट क्वालिटी कैमरा को परचेस करा है, काफी ज्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आप लोगों को इसकी देखने के लिए मिल रही है। सामने की साइड में यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर जो कैमरे का सेंसर दिया हुआ है, नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को LED इंडिकेशन दिया हुआ है, एंड इसके नीचे अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पर आप लोगों को रबराइज पैडिंग दी गई है जिसकी मदद से काफी ज्यादा अच्छे तरीके से स्टैंड रह पाता है। इसकी साइड में यहाँ पर आप लोगों को माउंटिंग के लिए जो दिया हुआ है, बेसिकली आप लोग जो स्क्रू वगैरह लगा के यहाँ से इसको जो माउंट कर सकते हैं। एंड ये जो है दोस्तों पूरा का पूरा रोटेट होता है, आप लोग देख सकते हैं इसको, आप लोग जो अपनी मन मर्जी के हिसाब से यहाँ पर जो रोटेट कर सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसी के साथ साथ यहाँ पर पीछे की साइड में आप लोग को स्पीकर ग्रिल एंड माइक्रोफोन दिया हुआ है, इसकी मदद से आप लोग जो टू वे कम्युनिकेशन इस सिक्योरिटी कैमरा के अंदर जो है कर पाएंगे। और देख ले कि और क्या हम लोग को मिल रहा है, तो और आप लोग को इसका जो पावर अडेप्टर देखने के लिए मिल रहा है जिसकी मदद से आप लोग को इसको पावर देना है। एंड यहाँ पर आप लोग काफी ज्यादा एक लंबी केबल देखने के लिए मिल रही है, इसकी मदद से आप लोग जो इसको काफी ज्यादा डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं। तो ये बात मुझे एक बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर भाई इस मामले में जो कंपनी ने कंजूसी नहीं की है। और देख ले कि और क्या है, तो और आप लोग कुछ जो माउंटिंग एक्सेसरी दी गई है जिसकी मदद से आप लोग जो इस सिक्योरिटी कैमरा को वॉल पर माउंट कर सकते हैं। अब बढ़िया दोस्तों हमारे मेन सिक्योरिटी कैमरा की तरफ, तो साइड में यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर जो रीसेट बटन दिया हुआ है, एंड यहाँ पर इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन जो है दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग जो 128 GB तक का माइक्रो SD कार्ड मतलब बेसिकली मेमोरी कार्ड आप लोग जो लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों सिक्योरिटी कैमरा का ओवरव्यू, फटाफट से हम लोग जो इसकी क्वालिटी का टेस्ट कर लेते हैं। ये है सिक्योरिटी कैमरा का डे मोड, तो जब यहाँ पर आप लोग जो दिन में इसके अंदर जो है कोई भी फुटेज देखेंगे तब कुछ इस टाइप की क्वालिटी आप लोग को जो देखने के लिए मिलेगी इस सिक्योरिटी कैमरा के अंदर। और जो माइक्रोफोन भी है और यहाँ पर में जो रिकॉर्डिंग भी हो इसी सिक्योरिटी कैमरा के माइक्रोफोन की मदद से हो पा रही है। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं इतना कुछ एरिया ये जो सिक्योरिटी कैमरा है ये जो है कवर करता है। तो आप लोग जो इसको सेटअप कर लेंगे तब ऐसी कुछ क्वालिटी एंड इतना कुछ एरिया ये जो है कवर कर लेगा। तो दोस्तों अभी आप लोग जो ये वीडियो देख पा रहे हैं ये जो आप लोग इसी टापो C100 सिक्योरिटी कैमरा की मदद से देख पा रहे हैं, और यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है फिलहाल में भी नाइट मोड को जो ऑन करा है। तो अगर यहाँ पर मैं अंधेरा होगा तब यहाँ पर मैं ऐसी कुछ वीडियो क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, मतलब बेसिकली जब आप लोग जो इसका लाइव व्यू जब आप लोग ये ऑन करेंगे तब कुछ इस टाइप की क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों जब मैंने इसको टेस्ट किया तब यहाँ पर मैं जो है काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी सारे सिक्योरिटी कैमरा यूज किए हैं, वो दोस्तों लगभग जो 2800 से 3000 रुपए के बजट में आते हैं, एंड उसकी जैसी क्वालिटी होती है सेम टू सेम क्वालिटी आप लोगों को इसकी देखने के लिए मिल रही है सिक्योरिटी कैमरा की। बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो क्वालिटी एंड वीडियो प्लेबैक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, एंड कनेक्ट भी काफी ज्यादा जल्दी हो गया, मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और बिल्कुल भी यहाँ पर जो है कोई ग्लिच वगैरह नहीं आया इसको कनेक्ट होने में। दोस्तों MI वगैरह जो है जो CP+ के जो सिक्योरिटी कैमरा आते हैं उसके अंदर मुझे यहाँ पर में काफी ज्यादा टाइम लगता है, कभी कभार जो ग्लिच वगैरह आ जाता है कोई बग वगैरह आ जाता है उसको कनेक्ट करने में, लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ग्लिच नहीं आया इसको कनेक्ट करने में। और इसका जो ऐप है वो भी काफी ज्यादा फ्लॉलेसली काम कर रहा है, बिल्कुल भी मेरा जो दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं हुआ यहाँ पर इसको कनेक्ट करने में। एंड उसी के साथ साथ जो वीडियो प्लेबैक भी है वो भी काफी ज्यादा अच्छा आ रहा है, काफी ज्यादा बढ़िया कैमरा आप लोगों को इस सिक्योरिटी कैमरा के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। एक दोस्तों बजट में आता है लेकिन फिर भी यहाँ पर इसकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो यहाँ पर आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल रही है।
उसी के साथ साथ जो मोशन डिटेक्शन वाला फीचर भी है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। मतलब जैसे ही कोई आ रहा है जा रहा है तो अब यहाँ पर मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन ज़रूर से आ रहा है कि भाई कोई आया गया, तो उस मामले में भी ये सिक्योरिटी कैमरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड इसके अंदर जो टू वे कम्युनिकेशन वाला फीचर है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, एक कॉलिंग का फीचर है इसके अंदर। एंड यहाँ पर मैं अगर कोई धीरे भी बोल रहा है भाई, अगर कहीं बात बात कोई चल रही है अगर वो बहुत ज़्यादा धीरे भी बोल रहा है, तब इसका जो माइक्रोफोन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर मैं मुझे जो सुनाई दे रहा था सब कुछ कि भाई कोई अगर कितने भी धीरे बोले, तब यहाँ पर मैं ये जो सिक्योरिटी कैमरा है ये जो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई सामने वाली पार्टी जो है क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तो अगर ओवरऑल अगर बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा सिक्योरिटी कैमरा लगा, ये 1400 रुपये के बजट में आता है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग कोई भी 360 डिग्री वाला व्यू तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जितने भी फीचर है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। बस एक ही दिक्कत है कि यहाँ पर आप लोग जो है इसको 360 डिग्री के अंदर रोटेट नहीं करवा सकते। जो दूसरे सिक्योरिटी कैमरा आते हैं उसके अंदर आप लोग जो इसको रोटेट कर सकते हैं 360 डिग्री में, इसको आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ जितने भी फीचर है इसके अंदर और जो कैमरा क्वालिटी मिल रही है आप लोगों को इस बजट में वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। आप लोग जो बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आप लोगों का बजट काफ़ी ज़्यादा टाइट है। बस शर्त ये है कि आप लोगों के घर में कोई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर आप लोगों के घर में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है एंड आप लोग फिर परचेज कर रहे हैं इसको, तब ये दोस्तों काम नहीं आते जितने भी सिक्योरिटी कैमरा है। आप लोगों के घर में दोस्तों राउटर होना चाहिए, तभी ये जो सिक्योरिटी कैमरा है इनका तो कोई मतलब होता है। नहीं तो दोस्तों अगर आप लोग फोन से हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहे हैं फिर आप लोग सोच रहे हैं कि भाई एक फ़ोन को मैं घर में ही रख दूंगा, तो वो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। उसी के साथ साथ एक बात मुझे और बतानी थी कि यहाँ पर आप लोग ये क्लाउड का सब्सक्रिप्शन इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आप लोग जो मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं इसके अंदर डालना चाहते तो अब यहाँ पर आप लोग जो इसका क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अंदर की ये होता है कि जो भी रिकॉर्ड होता है इसके अंदर वो डायरेक्टली जो है क्लाउड पर भेजता रहता है, ये तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है आप लोग के लिए। खैर दोस्तों मैं तो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि भाई मेमोरी कार्ड लगा दो एक बार और टेंशन खत्म करो, क्यों हर महीने जो है क्लाउड के पैसे भरने हैं। मेरा दोस्तों ओपिनियन ये है इस पर। तो अगर कंक्लूजन की बात करूँ तो बहुत अच्छा सिक्योरिटी कैमरा है जो कि आप लोगों को टीपी लिंक की तरफ से इंडियन मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप लोग जो इस सिक्योरिटी कैमरा को परचेस करना चाहते हैं तो इस सिक्योरिटी कैमरा की बेस्ट बाय लिंक मैंने जो डिस्क्रिप्शन में दी है एक बार उसको जरूर से चेक करिए, कहीं आप लोग इस सिक्योरिटी कैमरा को जो महंगा ना परचेस कर लें। दोस्तों बस ये सारी कहानी थी टीपी लिंक के टापो C100 सिक्योरिटी कैमरा की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का सिक्योरिटी कैमरा से रिलेटेड अगर कोई भी अगर सवाल हो नीचे जो कमेंट करना मत भूलना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नेटवर्क के साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।